एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है, उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध यह कॉग्निजेबल वो होगा और नॉन बेलेबल होगा, यह संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और एक साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है, 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, 50,000 से 2,00,000 रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजुरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है, 6 months to 7 years। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1,00,000 से 5,00,000 तक है, तो भारी सजा भी होगी और भारी भरकम जुर्माना भी होगा। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। केवल इतना ही नहीं, आज एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनके क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। जो भी कोई हमले के लिए जिम्मेवार होंगे उनसे जितना नुकसान हुआ है उसके मार्केट वैल्यू का 2 गुना ज्यादा ये उनसे भरपाई कॉम्पेंसेशन के रूप में लिया जाएगा। वैसे अभी केंद्र के आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और अनेक राज्यों के कानून भी है, लेकिन फिर भी सबकी मांग भी थी कि देश भर का कानून बने और इसलिए आज पूरे देश में लागू होने वाला अध्यादेश आज लागू किया है। डॉक्टर अब क्योंकि कोविड का संकट ये गंभीर संकट है, इसमें बिना टेंशन डॉक्टर और आरोग्य कर्मी काम कर सके, ना उनके साथ कोई हमला होगा ना उनके साथ कोई जाति होगी, इस तरह की व्यवस्था अब कायम होगी। आपको पता है मोदी सरकार ने यह महामारी का संकट आने के साथ ही अनेक कदम उठाए और सारे आरोग्य सेवा में लगे हुए सभी कर्मचारी, डॉक्टर से लेकर आशा वर्कर तक, नर्सेस से लेकर स्टाफ तक, पैरामेडिक्स तक से लेकर अन्य लोग भी, इन सबके लिए 50-50 लाख का इंश्योरेंस शुरू किया ताकि मद निश्चिंत होकर आदमी काम कर सके, और इसलिए ये इंश्योरेंस का काम किया। दूसरा एक बड़ा फैसला लिया कि आयुष्मान योजना के लाभार्थी
अभी समझो किसी को कोविड है तो वो कोविड हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के सूची में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ट्रीटमेंट भी मिलेगी और उसका खर्चा भी मिलेगा, उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आयुष्मान भारत के जो योजना के जो पीएम जय योजना के जो 50 करोड़ से ज्यादा लोग लाभार्थी है, वो अगर दूसरी बीमारी कोविड नहीं है नॉन कोविड बीमारी और नॉन पैनल्ड हॉस्पिटल में अगर अभी जाएंगे तो सरकारी अस्पताल के सर्टिफिकेट से उनका भी ट्रीटमेंट होगा और उसका पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको मालूम है इस देश में कोविड हॉस्पिटल नहीं था, कोविड हॉस्पिटल क्यों दुनिया में नहीं था, अपने ही देश में क्यों? और अब अपने जो हॉस्पिटल्स थे और ये नए कोविड हॉस्पिटल बने 723, इसमें अब 1,86,000 लगभग 2,00,000 बेड्स आइसोलेशन के तैयार हो गए हैं, 24,000 आईसीयू बेड्स है और 12,190 वेंटिलेटर्स है। तो ये सेवाओं का विस्तार 3 महीने में किया। भारत में पहली केस 30 जनवरी को हुई, उसके पहले चीन में संक्रमण आया, तभी से प्रधानमंत्री हमें कैबिनेट में भी बताते थे कि यह गंभीर संकट है, ये चुनौती सारे विश्व के सामने आएगी और हमें तैयारी करनी चाहिए, और इसलिए तैयारी में जुट गए। जहां पीपीई की बात है, हमारे यहां एक भी फैसिलिटी नहीं थी, आज 77 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हो गए और 1,88,00,000 इतनी इनको ऑर्डर दी है और रोज सामान आ रहा है। N95 मास्क जो डॉक्टरों को लगाने चाहिए, जो आरोग्य कर्मियों को लगाने चाहिए, जो कोविड के पेशेंट से ट्रीटमेंट का काम करते हैं उनको लगाना चाहिए, इसके अभी 25 लाख है उपलब्धता और 2.5 करोड़ लगभग ऑर्डर दिया है। तो ये विस्तार है सेवाओं का। तो ये काम किया है और इसलिए मुझे लगता है कि पूरे आरोग्य कर्मियों के आरोग्य परिवार का ही पूरा ख्याल रखने का सरकार का मनोदय है और यही मनोदय आज के इस अध्यादेश से साबित हुआ है।